Hello children, open your social textbook and take out 15th chapter, Establishment of the British Empire in India. See children, already in the previous chapter we have learned about the different kings and kingdoms. So let's start the lesson. So in 1600 CE, there was a charter from ruler of England, Queen Elizabeth I. चार्टर मतलब एक तरह का लीगल राइट, एक तरह का अग्रीमेंट या फिर डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं। मतलब इस चार्टर के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार है कि वो खुद ही दूसरे ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सके, और दूसरे कोई भी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ किसी भी ईस्ट इंडिया की कंपनी के साथ ट्रेड ना कर सके। सो एक्चुअली ट्रेड बोल तो क्या है, ट्रेड मीन्स एक तरह का बिजनेस है बिटवीन वन कंट्री टू अनदर। सो दिस कंपनी बाई गुड्स एट ए चीप प्राइस एंड कैरी द सेम गुड्स इन देयर कंट्रीज एंड सेल देम एट हायर प्राइजेस। सो एक्चुअली मेन पर्पोज क्या है, सो ब्रिटिशर्स जो है सो ट्रेड के लिए, ट्रेड पर्पोज के लिए हमारे कंट्री में एंटर करे थे। सो दूसरे कंट्रीज़ के साथ या फिर दूसरे कंपनीज़ के साथ कंपटीशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो है सो वो चार्टर बनाया गया था। लेकिन एक पोर्चुगीज ट्रैवलर है, एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर है जिसका नाम है वास्को डा गामा। ही इज़ द मैन हु हैड डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया इन 1498। तो इस पोर्चुगीज एक्सप्लोरर को देखकर इंस्पायर होकर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ भी स्टार्ट करे अलग अलग रूट्स के ज़रिए कंट्रीज में एंटर करना और ट्रेड करना। फ्रेंच ट्रेडर्स आल्सो अराइव्ड ऑन द सीन। मतलब ये है कि फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड बेस्ड है, फिर पोर्चुगल, देन फ्रेंच कंपनीज आल्सो हैव अराइव्ड। अब एक ही साथ दो तीन कंपनीज की वजह से कंपटीशन बढ़ गया था। सी एक्चुअली इंडिया में बहुत ही फाइन क्वालिटीज़ का कॉटन प्रोड्यूस किया जाता था एंड स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लव्स, कार्डमम एंड सिनेमम भी जो हो सो बहुत ज़्यादा डिमांड में थे। इंडिया जो हो सो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्पाइसेस प्रोड्यूस करता था जो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड था। इसी के चलते हर एक यूरोपियन कंट्री इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता था। अलग अलग कंपनीज एक ही कंट्री में एंटर होना चाहते थे, जिसके चलते उन्हीं के बीच कंपटीशन बढ़ गया था, और इसी के चलते ट्रेड वॉज कैरिड आउट विथ आर्म्स, ट्रेडिंग पोस्ट वेर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। सो इसी के चलते आर्म ट्रेडर्स भी शुरू हो गए। यूरोपियन ट्रेडर्स फॉर्म देयर ओन कंपनीज टू ट्रेड इन इंडिया। द इंग्लिश ट्रेडर्स फॉर्म द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वाइल द ट्रेडर्स फ्रॉम फ्रांस फॉर्म द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब हर एक कंपनी जो है सो अपना अपना नाम रख चुके थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों ही कंपनीज जो है सो आपस में बहुत ही कंपीट करते थे। कितने की सालों तक दोनों में कंपटीशन बना रहा, और जितना भी ट्रेड इंडिया में मौजूद है उसको पूरी तरह से कैप्चर करना चाहते थे, और दोनों ही कंपनी एक दूसरे को हटाने के लिए या फिर यहाँ से उसको ख़त्म करने के लिए कई ऐसे वार्स भी फाइट कर चुके थे। द कंपनीज एक्वायर्ड लैंड इन इंडिया एंड बिल्ड देयर ओन फोर्ट्स टू वेज बैटल्स अगेंस्ट ईच अदर। इसी वार के दौरान कई यूरोपियंस ने इंडिया में बहुत ही बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए।